अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि वार्ड नंबर 20 आसिफ़ कॉलोनी में हाईकोर्ट के आदेश पे, जो मैं 4-5 महीने हो गए कि मैं हाईकोर्ट गया था कि पूरे हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 20 में कहीं पे गंदा पानी आता है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे जो है बिल्कुल भी ड्रेनेज का पानी है, कहीं पे आधा गंदा आता है फिर थोड़ी देर के बाद अच्छा पानी आता है, तो ये सारे मसाइल लेके मैं हाईकोर्ट गया था। तो हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि जहाँ जहाँ पे जो है गंदा पानी आ रहा है, 4 दिन के अंदर वहाँ पे लाइन बदल के उनको अच्छा सप्लाई दिया जाए, और अगर गंदा पानी आता है तो दूसरे दिन क्लीन सप्लाई दिया जाए। इसके साथ ही साथ हमारा ये बोलना था कि भाई पूरे वार्ड में जब JVPR कंपनी ने पूरे औरंगाबाद शहर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है नई लाइन डालने का, तो भाई आसिफ़ कॉलोनी में 4-5 गलियाँ क्यों? तो पूरा वार्ड का काम आज से अल्हम्दुलिल्लाह जो है हाईकोर्ट के आदेश की वजह से जो है सारी यंत्रणा जो है हरकत में आई है, और ये JVPR वाले सार भी साथ में हैं, हमारे कॉरपोरेशन के भी साथ में हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर भी साथ में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी आज से हमने काम शुरू करवा दिया। और एक ख़ास बात है कि पुराने जो 6-7 गलियों में मैंने काम शुरू किया था, जैसे यासीन मामू के घर से तो असद क्लिनिक तक, शकील किराना के पास, फेरोज़ किराना के पास, तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह वो काम भी मैं इंशाल्लाह चालू करके सप्लाई चालू करेंगे, मतलब लाइन तो डाल देंगे, लाइन डालने के बाद सप्लाई भी शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही साथ मेरे काफ़ी जो है रोड के भी जो है मेरे जो है सैंक्शन है, तो रोड भी जो है हम करा देंगे, मगर उसके पहले ज़रूरी है, जैसे हाईकोर्ट में हमने बोला था कि पहले ड्रेनेज लाइन हो, हाईकोर्ट ने आदेश ऐसे किया कि ड्रेनेज लाइन हो, वाटर लाइन हो, गैस की पाइपलाइन हो, और MSCB का वर्क हो, और फिर रोड हो। अगर ये चारों काम अंदर से इतने अच्छे होना चाहिए कि 10 साल तक रोड खोदना नहीं पड़ना चाहिए, और अगर रोड को खोदना पड़े तो कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनके सैलरी में से वो पैसा लो बोल के बहुत बेहतरीन कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसके। और ये सिर्फ मैं गया था आसिफ़ कॉलोनी के लिए, मगर ये पूरे शहर के लिए कोर्ट ने जो है इसको लागू कराया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इम्तियाज़ जलील साहब का भी कि वो कदम कदम पे हमारे साथ में है, खासदार साहब उनके रहनुमाई में ये सारे काम होते हैं। दूसरी चीज़ हाईकोर्ट का मैं जो है बहुत ज़्यादा जो है शुक्रगुजार हूँ। पहले तो रब्बुल इज़्ज़त का, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि मुझे ये सलाहियत मिली कि कोर्ट के ज़रिए से जो है ये सारे काम हो रहे हैं, कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इसके अंदर। और जी श्रीकांत साहब ने भी हमारे को जो है इसके अंदर कंवल तालाब के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए, वो काम चालू है। अंबेडकर गार्डन के लिए 1.5 करोड़ का पैसा दिया है, वो काम चालू है। और मेरे वार्ड में जो TB हॉस्पिटल से आरिफ कॉलोनी का रोड है उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए दिया, वो भी काम हमने चालू कराया है। तो जैसे ही ये अंडरग्राउंड के पानी के इसके काम होते हैं हम कॉन्क्रीट के भी काम कर देंगे। और साथ ही साथ कोर्ट ने, हमने एक कोर्ट के सामने रखा था हाईकोर्ट के सामने कि सुखना नदी में MIDC चिकलठाना की जो कंपनी है वो वेस्टेज उसमें मिला रही है, तो वो वेस्टेज मिलाने से पोल्यूशन हो रहा है और लोगों की बोरिंग में वो गंदा पानी जाता है, वही पानी आके पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल जाता है। तो कोर्ट ने बहुत बेहतरीन ऑर्डर किया, महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड को पार्टी करने के लिए कहा और उनको आदेश दिया कि इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, और जो जो कंपनीज़ वेस्टेज इस सुखना नदी में मिला रही है, जो नारेगांव से लेकर चिकलठाना जाती है देखिए, तो इसके लाइसेंस जो है रद्द किए जाएं। तो मैं हमेशा, मैं यहाँ से देखिए एक बात क्लियर करता हूँ कि आसिफ़ कॉलोनी से मैं जीत कर नहीं आया, ठीक है, मैं कॉप मेंबर हूँ, मैं 125 वार्ड में काम कर सकता हूँ, मगर आपके वोट नहीं लेने के बावजूद भी मैं आपके बीच में हूँ, आपका मैं काम कर रहा हूँ, तो जीतने के आने के बाद कितने अच्छे से काम होंगे आप इसका अंदाज़ा लगाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।